हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, देखिए आज चौथा सोमवार है और हमारा व्रत है। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। श्रियांशी भी नहा धोकर के तैयार हो गई हैं। बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि अभी पूर्ति और पूर्ति के पापा भी सो रहे हैं। मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है तो मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर। आप लोग भी चलिएगा। मैं साड़ी पहन ली हूँ क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं ज़रूर साड़ी पहनती हूँ। पूजा पाठ में मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सूर्यांशी भी तैयार हो गई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। तो आज है 4th सोमवार सावन का, तो हम लोग का फास्ट है। सूर्यांशी और हम उठ गए हैं नहाकर। मैं देखिए तैयार भी हो गई हूँ, सूर्यांशी भी तैयार हो गई, तो जो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए आप सबको मंदिर के दर्शन कराते हैं शिव जी के। तो चलिए वीडियो इंजॉय करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं मंदिर, आप भी चलिए दर्शन करते हैं भोलेनाथ के और आशीर्वाद लेते हैं प्रभु का। तो बस ये देखिए मेरे घर के सामने कितना कचरा ढेर है, ये उठवाना है आज या कल में उठवा लेंगे, क्योंकि अभी ऊपर से और निकलेगा। और ये घर के सामने ही मंदिर है, बिल्कुल 2 कदम पे। तो बस मैं वहीं पे आ गई हूँ, ये दुर्गा माँ का मंदिर है। तो चलिए भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सबसे पहले मैं आई हूँ, मैं करूँगी गणेश जी की पूजा। तो यहाँ पे गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। तो ये गणेश जी हैं, बाकी मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की, पार्वती जी की, सबकी हैं। उसके बाद फिर मैं शिव जी की पूजा शुरू करती हूँ, पहले गणेश जी की कर लेती हूँ, क्योंकि सारे काम गणेश जी से स्टार्ट होते हैं और पूजा भी सबसे पहले गणेश जी की करनी चाहिए। तो क्योंकि सर्वप्रथम देव है वो, और सभी की टीका वीका करने के बाद फिर मैं आरती चला करके गणेश जी की करने के बाद मैं शिव जी की पूजा करूँगी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और अच्छे से प्रार्थना करिए। भोलेनाथ देवों के देव हैं, महादेव हैं वो। तो यहाँ पे मैंने सभी लोगों की पूजा कर ली है, आरती कर लेती हूँ गणेश जी की, उसके बाद फिर मैं शिव जी की पूजा करती हूँ। यहाँ पे धूप बत्ती और बत्ती से मैंने पूजा कर ली है और मैं अब शिव जी की पूजा करूँगी। तो मैंने दिया जला लिया है, यहाँ पे बेलपत्र फूल सब रख लिए हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले जल चढ़ाऊँगी और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद सभी नंदी बाबा सब पे जल चढ़ा दिया मैंने। अब मैं दूर से पूजा कर रही हूँ और तो मैं छोटी कटोरी में लेकर आई हूँ दूध, क्योंकि लोटा लेकर आती तो मैं कितना पकड़ती, तो इसलिए यहाँ पे मैंने देखिए दूध भी चढ़ा दिया है और मैं जल चढ़ा दूँगी, रोटी अच्छा चावल सब चढ़ा दूँगी। तो चलिए चढ़ा दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे बेलपत्री चढ़ाऊँगी और फूल, और मैं चंदन से टीका करूँगी शिव जी का इस तरह से। तो मैं इसी तरह से करती हूँ हर सोमवार को पूजा। हर बार तो मैं वीडियो नहीं शेयर कर रही थी, आज मैंने वीडियो शेयर किया है क्योंकि सूर्यांशी उठ चुकी थी और नहा चुकी थी, वो भी आ रही थी मंदिर। तो यहाँ पे मैंने कर ली देखिए शिव जी की आरती भी और बढ़िया से प्रार्थना कर लिया है सभी के लिए। आप सबको स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। पूजा करने के बाद मैं उसे जल चढ़ाया और प्रार्थना की है, और उसके बाद आशीर्वाद लेकर मैं सभी जगह पे दर्शन किए मैंने, और ये दुर्गा माँ के भी दर्शन कर लिए। आप लोग भी कर लीजिए, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये यहाँ पे छत्ते वाली काली जी के नाम से जानी जाती है, चौक का बहुत ही पुराना मंदिर है और ये हमारे रिलेटिव ही है, जान पहचान ही है। और जब मेरी दादी परदादी रहती थी तो ये खाना पीना मेरे घर में ही करते थे ये लोग। तो देखिए पंडित जी हैं, ये पंडित जी को दिखाते हैं, माता जी के दर्शन करिए, आप लोग प्रार्थना करिए। बहुत भव्य मूर्ति है, भव्य दर्शन मिलते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है। नवरात्रि में तो हम लोग श्रृंगार भी कराएंगे, माता रानी की कृपा रही तो। और ये दीपू चाचा है, दीपू अंकल हैं पंडित जी यहाँ के। तो बस चलिए आप लोग को दर्शन भी करा दिए हैं, चलिए तो यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं, सबको उठाते हैं। जय माता दी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब।